ये देखो कल हमने ये बनाए थे ना शेखीवास मक्खी के अपने पाठ में, तो अब आज हम अभी इनको इस्तेमाल करेंगे और इनसे इस कहानी का अभिनय करेंगे। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन्न 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से कान शेर के कान के पास भिन्न भिन्न शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट वरना अभी तुझे जान से मारूं। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल की राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया, उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना भी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा, उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तोड़ गई और कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी फिर उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया, वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला, मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन सा बर्बाद करें। हाथी ने सूंड उठाकर सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा, लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल गाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता, लेकिन मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती। यह कहते हुए मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाल से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो बच्चों अब इन पपेट से आपने इस कहानी को खेला और अब आपको ये बताना है कि आपको इन सभी पात्रों में से, इस शेर में से, इस लोमड़ी में से, या ये शेखवास मक्खी और ये हाथी, इन सब में से आपको सबसे अच्छा कौन लगा, आप बताएंगे मुझे और वो क्यों अच्छा लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये कहानी पूरी होती है और आप भी घर में इस तरह से पपेट्स बना, खुद से पपेट्स बना लीजिए और उनसे इस खेल को खेलिए।